तरफ कोहराम मचा हुआ था। गली गली कूचे कूचे में अजीब तरह का शोर हो रहा था। एक बहुत ही भयानक दिखने वाला आदमी कई रस्सियों से बंधा हुआ था। उन रस्सियों को गांव के नौजवानों ने पकड़ रखा था और उसको जंगल की तरफ ले जा रहे थे। गांव के दो पुरोहित उसके पीछे मंत्र पढ़ते हुए चल रहे थे और बाकी गांव वाले हाथों में जलती हुई मशाल लिए उनके पीछे थे। ये आदमी वही ड्रैकुला था जिसने आज तक ना जाने कितने गांव वालों को अपना शिकार बनाया था। कई सालों तक इसकी दरिंदगी सहने के बाद आज पूर्णिमा की रात को जब इसकी शक्तियां कम हुई तो गांव वाले और पुरोहितों ने मिलकर इसको एक चाल में फंसाकर पकड़ लिया था। हमें इस ड्रैकुला को 2 बजे से पहले दफन कर देना होगा। अभी इसकी शक्तियां सिर्फ इसी वजह से कमजोर है कि इसके गले में ये मंत्र शक्ति वाली चांदी की मालाएं डली हुई हैं। सभी उसको एक गुफा के अंदर लेकर चले गए। वो भयंकर आवाज के साथ खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकाम हो रहा था। इसको ताबूत में डाल दो। उसके इतना कहते ही दो आदमियों ने ताबूत खोला और फिर जबरदस्ती उस ड्रैकुला को उसके अंदर लेटा दिया। फिर दोनों पुरोहितों ने उसके सीने पर चांदी की सैकड़ों मालाएं डाल दी जिससे वो चिल्ला उठा और तड़पने लगा। तभी उन्होंने ताबूत को बंद कर दिया। अब अगले 14 दिनों में इसका शरीर सड़कर खत्म हो जाएगा। अगर इन 14 दिनों के बीच किसी ने इसको खोला तो इसकी जगह अगला ड्रैकुला वो बन जाएगा। सभी गांव वालों ने उनकी रजामंदी दिखाई और वहां से अपने अपने घरों को चले गए। अगले दिन गांव में जश्न मनाया गया क्योंकि गांव वालों ने कई सालों तक जूझने के बाद उस ड्रैकुला से मुक्ति पाई थी। अवंतिका भी अपने परिवार के साथ उस जश्न में शामिल होने के लिए आई थी जिसको थोड़े फासले पर खड़ा हुआ रितेश निहार रहा था। अवंतिका तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। पता नहीं पापा क्यों इस जाति बंधन के चक्कर में आकर मेरी शादी तुमसे नहीं करवाना चाहते हैं। तभी अवंतिका के चाचा और पिता वहाँ पर आ गए और दोनों को साथ देखकर भड़क गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से मिलने की और इससे बात करने की? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप लोगों को हमें अलग करने में क्या खुशी मिल रही है? तुम लोग एक दूसरे के साथ कभी नहीं हो सकते। ये कहकर वो अवंतिका को अपने साथ घर वापस ले गए। ये सब लोग मुझे कमजोर समझते हैं ना? अब मैं ऐसा शैतान बनूंगा कि अवंतिका का पूरा खानदान मिलकर भी हम दोनों को एक होने से नहीं रोक पाएगा। ये तय कर रितेश उसी गुफा की तरफ रवाना हो गया। गुफा में कदम रखते ही कई चमगादड़ गुफा से बाहर की तरफ अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गए। उसने अंदर जाकर उस ताबूत को जैसे ही हाथ लगाया तेज हवाएं चलने लगी। उसने फिर भी हिम्मत करके उसको खोला तो बहुत ही बुरी बदबू फिजा में फैल गई। उस शैतान की हालत देखकर रितेश का दिल तो दहल ही उठा। उसके शरीर पर हजारों कीड़े रेंग रहे थे और जो मालाएं उसके ऊपर डाली गई थी वो उसके शरीर के मांस के अंदर तक गड़ चुकी थी। ए खूनी ड्रैकुला, मैं आपको इस तकलीफ से छुटकारा दिलाने आया हूँ। मेरे शरीर को अपना कर फिर से वापस आए। ये कहकर उसने जोश में आकर सारी मालाएं उसके ऊपर से हटा डाली। जैसे ही वो सब उस पर से हटी उसकी आंखें खुल गईं और वो जाग उठा। उसने रितेश को पकड़ लिया और उसके गर्दन पर अपने दांत गाड़ दिए। अवंतिका अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी उसको लगा कि बालकनी में कोई है। वो उठकर वहां गई तो देखा कि वो रितेश ही था, लेकिन उसकी वेशभूषा बहुत ही अलग लग रही थी। उसने काले रंग का लंबा सा कोट पहन रखा था और उसके बाल भी अजीब तरह से खड़े हुए थे। अवंतिका, ऐसा पुकारते हुए वो कसकर उसके गले लग गया और अवंतिका हैरानी से बोली, ये सब क्या है रितेश? तुम इतनी ऊंची बालकनी में कैसे पहुँचे? और तुम्हें डर नहीं है कि अगर मेरे घर वालों ने देख लिया तो तुम्हें खत्म कर देंगे? अब मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं सबका काल बन चुका हूँ। रितेश की हंसी की आवाज सुनकर अवंतिका के पापा रवि और चाचा वहाँ पर पहुँच गए। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे घर तक में घुस आया? मुझे रोकने की कोशिश मत करो, अवंतिका सिर्फ मेरी है। उसकी ये बात सुनकर दोनों उस पर झपट पड़े
देखते ही देखते रितेश की आंखों से अजीब तरह का जलाल आ गया। उसकी पुतलियां लाल हो गई और नाखून बहुत लंबे हो गए, जबड़ा भेड़िए के जैसा हो गया। उसने रवि को एक तरफ धक्का दे दिया और चाचा की गर्दन पकड़ ली। ये देखकर अवंतिका की भी डर के मारे चीख निकल पड़ी। उसने अपना मुंह खोला और चाचा की गर्दन पर दांत गाड़ दिए। ये देख रवि भी हैरान रह गया। अवंतिका हक्की बक्की रह गई। उसके दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई थी। उसका प्यारा सा रितेश इतना खतरनाक कैसे हो गया था? मैं अवंतिका को ले जा रहा हूँ, मेरे पीछे आने की कोशिश नहीं करना, वरना इसकी सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ेगी। ये कहकर उसने अवंतिका को अपने कंधे पर उठाया और बालकनी से बाहर कूद गया। अवंतिका को कंधे पर उठाने के बावजूद भी उसकी ताकत कम नहीं थी। वो बिजली की रफ्तार के साथ दौड़ रहा था। उसके तुरंत बाद ही रवि अपने दो आदमियों के साथ पुरोहित जी के पास गया, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों पुरोहितों की लाशें जमीन पर नीली पड़ी हुई थीं, जिससे पता चलता था कि उनके शरीर का सारा खून चूस लिया गया था। वो डरी हुई हालत में अपने आदमियों से बोला, तुम लोग चांदी के कुछ हथियार लेकर मेरे साथ चलो, अब हम उसको इसी तरह से रोक सकते हैं। गांव में ये खबर धुएं की तरह फैल गई। फिर सभी गांव वाले रवि के साथ रितेश के घर की तरफ रवाना हो गए। वहां उसके घर के सामने जाकर सभी ने उसको ललकारा। रितेश, तुमने शैतानी शक्तियां हासिल करके अच्छा नहीं किया। अभी के अभी मेरी बेटी को छोड़ दो और इस गांव से निकल जाओ, वरना हम इन चांदी के हथियारों से तुमको खत्म कर देंगे। ये सुनकर ड्रैकुला बन चुके रितेश ने दरवाजा खोला। अवंतिका उसके साथ हाथ थामे हुए थी और दोनों चेहरे पर मुस्कान लिए घर के अंदर से निकल रहे थे। अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो तो आ जाओ। उसकी बात सुनकर रवि ने अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने उसके गले में चांदी की मालाएं डाल दी और चाकुओं को सीने में गाड़ दिया और जमीन पर गिर पड़ा। सभी ये देख शांत हो गए। रवि ने अवंतिका का हाथ पकड़ा और उसको अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन उसने आगे कदम नहीं बढ़ाए। तभी ड्रैकुला भयानक आवाज करता हुआ खड़ा हो गया। पूर्णिमा की रात में पुरोहितों के जरिए पढ़ी गई मंत्र शक्तियों के बिना ये चांदी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नहीं आज पूर्णिमा है और न ही कोई पुरोहित मैंने जिंदा छोड़ा है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहकर उसने उन दोनों आदमियों को पकड़ा और उनकी गर्दनों से खून चूसने लगा। बेटा, अवंतिका, अब वो तुम्हारे लायक नहीं रहा, वो ड्रैकुला बन चुका है। अगर वो ड्रैकुला बन चुका है तो मैं भी ड्रैकुला की रानी बन चुकी हूँ। ये कहकर अवंतिका ने अपने पिता की गर्दन पर दांत गाड़ दिए। ड्रैकुला ये देखकर बहुत खुश हुआ। सभी गांव वाले चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। सब जाओ, वहीं पर रुक जाओ, वरना सबको खत्म कर दूंगा। उसकी बात सुनकर सभी अपनी अपनी जगह पर रुक गए और खौफ भरी निगाहों से उसको देखने लगे। इस गांव के लोगों को मुझसे कोई खतरा नहीं, मैं और मेरी रानी सिर्फ इस गांव के बाहर के लोगों का ही खून पिया करेंगे। शर्त है कि हम दोनों को आप सभी अपना राजा और रानी मान कर रहोगे। ये सुनकर सभी गांव वालों ने उनकी बात मान ली। आज से आप दोनों हमारे राजा और रानी हैं। जय ड्रैकुला की जय हो। ये सुनकर दोनों खुश हुए और फिर एक दूसरे के गले लग गए।